प्रवीण जगज्जय धर्मव्रति कर्मपथि रश्मि रथि महारथि ओ महारथि कर्ण दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने वाले होते हैं कि कर्ण रंगभूमि में आता है कुंती उसे पहचान लेती है दुर्योधन कर्ण को शौर्य प्रदर्शन की अनुमति देता है प्रदर्शन के बाद कर्ण अर्जुन को रंगभूमि में प्रतियोगिता के लिए ललकारता है कृपाचार्य कर्ण से जाति गोत्र का प्रश्न करके उसे अर्जुन से द्वंद्व करने से रोकते हैं इस पर दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है फिर भी कृपाचार्य उसे अर्जुन से द्वंद्व नहीं करने देते अब आगे अधिरथ पुत्र कर्ण हस्तिनापुर के नागरिकों ने तुम्हारा धनुर्कौशल देख लिया है अब कृपया आप रंगभूमि से प्रस्थान करें वीर पुत्र का यह अपमान माँ को चुभ गया तीर समान सूर्य पुत्र को कह रहे अनजान रंग भूमि में बंधु है सन्मुख शत्रु समान नाते से अनजान कृष्ण के अधरों पर मुस्कान कुंती का नीरव प्रस्थान कुंती कर्ण का अपमान क्यों कर रहे हैं कृपाचार्य माताश्री राजमाता कुंती रंगभूमि से जा चुकी हैं क्यों ये तो वही बता सकती हैं हो सकता है कर्ण का अपमान उसे देखा ना गया हो आचार्य द्रोण और कृपाचार्य आज आप लोगों ने जाति और गोत्र का प्रश्न खड़ा करके अर्जुन के मान की रक्षा कर ली किंतु मैं जीवन पर्यंत उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मेरे और अर्जुन के बीच कोई प्रश्न नहीं होगा मात्र मेरे और अर्जुन के बाण होंगे चलो बाबू समस्त राजकुमार अपने शौर्य का प्रदर्शन कर चुके हों तो प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया जाए रंगभूमि की इस प्रतियोगिता में पांडव पुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किए जाते हैं राजकुमार अर्जुन की 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 आप इस प्रकार रंगभूमि से क्यों चली हैं? मैं नहीं देख सकी कर्ण का अपमान नहीं सुन सकी कर्ण के प्रति बोले गए कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अर्जुन के वचन मैं नहीं सहन कर सकी उसकी उपेक्षा मेरे समक्ष मेरे पुत्र को सूत पुत्र कहा गया और मैं मूक विवश कुछ न कह सकी
अपमान का घूंट भी कर रहना पड़ा मेरे पुत्र को। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है केशव? बुआ श्री, आपका एक नाम प्रथा भी है और प्रथा का अर्थ होता है धैर्यवान। इस प्रकार विचलित होकर अपने नाम को यूं लज्जित ना कीजिए बुआ श्री। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। समझ सकते हो केशव, समझ सकते हो तो इसका कुछ समाधान करो, कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी केशव। नहीं बुआ श्री, वही कीजिए जो समाज के अनुकूल हो, जो उचित हो। अपने आशीर्वाद का हाथ अपने पांचों पुत्रों के शीश पर रखकर उनका आत्मबल बढ़ाइए। तुम केवल मेरे पांच पुत्रों के बारे में सोच रहे हो केशव, लेकिन उसका क्या जिसे मैं अपना पुत्र कह भी नहीं सकती? उसके अनुजों से क्या कहूं कि रंगभूमि में तुमने जिसका अपमान किया है वो तुम्हारा अग्रज है, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। मैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य से क्या कहूं कि जिसके गोत्र के बारे में तुम पूछ रहे हो, जिसे तुम सूत पुत्र कह रहे हो, वो कुंती का पुत्र है, भरतवंश का वंश है वो। वो आपका ही अंश है, समय और परिस्थिति के साथ उसे अपने जन्म का सत्य पता चल ही जाएगा, परंतु यह समय आपका वर्तमान है। अपना ध्यान अपने पांचों पुत्रों की ओर ही केंद्रित कीजिए बुआ श्री, क्योंकि आपका आत्मबल आपके पुत्रों का ही आत्मबल है। आज रंगभूमि में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चुना गया बुआ श्री, यह समय आपके पुत्रों के अधिकारों के संघर्ष का समय है। कृपया करके आप अपना धैर्य धारण कीजिए। ठीक है केशव, यदि मेरे धैर्य से मेरे पुत्रों को सुख शांति मिलती है तो मैं वही करूंगी और उचित समय की प्रतीक्षा। वस्तु अब मुझे आके दीजिए, मुझे द्वारका जाना। प्रणाम पाशी। सदा सुखी रहो पुत्र वधु। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो देवी, ये तो आपका सौभाग्य है देवी कि आप ऐसे यशस्वी पुत्रों की माता हैं। इसका श्रेय तो आपको जाता है, यदि आपकी दीक्षा नहीं होती और पितामह का आशीष नहीं होता तो क्या मेरे पुत्र ये कर पाते? नहीं देवी नहीं, ये तेजस्वी पुत्र किसी भी स्थिति में दयनीय नहीं हो सकते। ये अपने कर्मों के द्वारा संसार की गति परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें वो पौरुष है जो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर मैं निरंतर चिंतित रहती हूं। पुत्र वधु, अब तुम्हें अपने इन पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, इनका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। नहीं पितामह, कल रंगभूमि में दुर्योधन ने जो किया उसे देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। देवी, कहीं आप उस सूत पुत्र कर्ण के उत्थान को लेकर तो चिंतित नहीं हो रही हैं? आचार्य, माता श्री कर्ण के उत्थान से नहीं अभी तो दुर्योधन के द्वेषपूर्ण व्यवहार से दुखी है। कल उसने रंगभूमि में हम भाइयों के प्रति अपनी द्वेष भावना का उदंडता पूर्वक प्रदर्शन किया। दुर्योधन के उदंडतापूर्ण प्रदर्शन का न हमने रंगभूमि में समर्थन किया और न कभी भविष्य में करेंगे। क्यों भांजे, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारे गुरु की राजनीति?
अर्जुन को सर्वशेष धनुधर घोषित करना था तो कितनी चतुराई से पासा फेंका, ऐसा पासा फेंका कि कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लेने दिया। मैंने जो करना है कर लेता मामा श्री, मैंने जो करना है कर लेता, किंतु मैं इनके राजनीति के सामने हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं। कर्ण के साथ हुए भेदभाव को ना तो हस्तिनापुर के लोग भूल सकते हैं, ना कर्ण भूल सकता है, ना ही मैं मानाश्रय। मैंने पांडवों के विरोध में एक प्रबल योद्धा को उनका शत्रु बनाकर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है मामाश्री, उनके सामने। कर्ण जीवन पर्यंत मामाश्री पांडवों को क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। और तुम्हारा एकमात्र यही प्रयास रहना चाहिए भांजी कि वो सूद पुत्र अर्थात तुम्हारा मित्र अंगराज कर्ण उन पांडवों को क्षमा करने के बारे में कभी सोच भी ना सके। उसे सदैव स्मरण कराते रहना कि यदि उसके अपमान का कोई कारण है तो वो अर्जुन, यदि उसका कोई प्रतिद्वंदी है तो वो भी अर्जुन। मामाश्री, मैं एक क्षण के लिए भयभीत हो गया था कि कहीं अंग राज्य का दान कर्ण अस्वीकार न करते। ना 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 भांजे ना, वो ऐसा कदापि नहीं करता। यदि तुम उसे खांडव प्रस्त या वारणाव्रत का मुखिया भी बना देते ना तो भी वो उसे अस्वीकार नहीं करता। उसने अंग राज्य को स्वीकारा ही अपनी दीनता और अपने अपमान से मुक्ति के लिए है। यदि उसने अंगराज को स्वीकारा है तो समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए। मामाश्री, आप तो कर्ण के विषय में अपनी भावना परिवर्तित करनी होगी। अरे आप क्या जानते हैं कि कर्ण क्या है? मैं आपको बताता हूं कि कर्ण क्या है। कर्ण स्वाभिमानी है, वीर पुरुष है, और ऐसे वीर मामाश्री समाज में अपना स्थान बना ही लेते हैं। कर्ण ने अंगराज मात्र इसीलिए स्वीकार किया कि वो अर्जुन से प्रतियोगिता के लिए योग्य होना चाहता था। यदि उसे यह पता होता कि अंगराज बनने के बाद भी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा तो वह अपने शीश पर राज मुकुट नहीं रखने देता। उसके माथे पर जो मुकुट रखा हुआ है ना भांजे, वो उसे जीवन भर याद दिलाता रहेगा कि वो तुम्हारा मित्र है और अर्जुन का शत्रु। राजकुमार दुर्योधन को अंग देश किसी को दान स्वरूप देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो हस्तिनापुर का राजकुमार है, यदि उसने अपने किसी मित्र को एक छोटा सा राज्य दान स्वरूप दे भी दिया तो हस्तिनापुर का कौन सा अहित हो गया? क्यों ताश्री, क्या उसने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया है? नहीं, राजकुमार दुर्योधन ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं किया अपितु अनुचित उद्देश्य से किया। तो क्या मैं राजकुमार दुर्योधन को आदेश दूं कि वो कर्ण से अंग राज्य वापस मांग ले? यह तो उचित नहीं होगा ताश्री। धृतराष्ट्र, कुरु वंश में किसी को दान में दी हुई वस्तु को कदापि वापस नहीं लिया जाता। पुत्र, हम दान का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम दुर्योधन पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। उसके व्यवहार से हस्तिनापुर की शांति समाप्त हो जाएगी। यदि उसे इस प्रकार के निर्णयों से रोका नहीं गया तो अति शीघ्र हस्तिनापुर के साथ साथ हम सभी संकट में होंगे। पुत्र, मैं उसे कैसे रोकूं? उसे दंडित करूं, प्रताड़ना दूं,
ये कैसे होगा? मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा ताश्री। पुत्र धृतराष्ट्र, यदि तुम दुर्योधन को आज नहीं रोकोगे तो कल वो तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगा। पुत्र ताश्री ठीक ही कह रहे हैं स्वामी। पुत्र दुर्योधन को इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले ताश्री से, भ्राता विदुर से, आपसे पूछना चाहिए था। मैं सम्राट अवश्य हूं गांधारी, परंतु नेत्रहीन हूं, लाचार हूं। राजकाज के कार्य करने के लिए भी मुझे किसी न किसी के सहायता की आवश्यकता होती है। पुत्र सहयोग देता है तो बुरा क्या है? अभी वो राजकुमार है, संभवतः राजा भी बने। संभावनाओं के हाथों में हस्तिनापुर की मर्यादा नहीं छोड़ी जा सकती धृतराष्ट्र। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पुत्र की इच्छाओं को नहीं मानता हूं तो वह क्रोधित होता है, और यदि उसकी बात मानता हूं तो आप सबकी उंगलियां उठती हैं। मैं क्या करूं गांधारी? आप वही कीजिए जो न्यायोचित हो महाराज। यह आवश्यक तो नहीं कि पुत्र दुर्योधन की हर बात उचित और मान्य हो। महाराज, पुत्र वधु ठीक कह रही हैं। कृपया उनकी बातों पर ध्यान दें। मैं चलता हूं। ताश्री, गांधारी, मैं अब बालक नहीं रहा, अपना भला बुरा सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। यदि मैंने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है तो ऐसा कौन सा अनर्थ कर दिया मैंने कि इतनी छोटी सी बात का विरोध करने के लिए पितामह भीष्म और काकाश्री विदुर पिताश्री के पास पहुंच गए। वो तो अच्छा हुआ प्रिय भांजे कि महाराज ने उनकी बातों को महत्व नहीं दिया, पर पितामह भीष्म का पासा उल्टा पड़ गया प्रिय भांजे। अन्यथा क्या बोला श्री? अन्यथा ये भांजे कि वो कर्ण से अंग देश छीन कर वापस ले लेते। असंभव। कर्ण को अंग देश का राजा मैंने बनाया है युवराज दुर्योधन ने, और किसमें इतना साहस है कि वो राज्य उसे वापस देने की बात सोच भी सके? करने की बात तो कोई और ही मामा श्री, और रही बात करने कर्ण के लिए अंग देश तो क्या, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं कर्ण के मित्रता के लिए सारा का सारा हस्तिनापुर निछावर कर दूंगा मामा श्री। ना 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 भांजे ना, हस्तिनापुर न्यौछावर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कर्ण अंग देश का राजा बनकर संतुष्ट है तो उसकी संतुष्टि का लाभ उठाओ। कुशल खिलाड़ी वही है भांजे जो अपने समय का सदुपयोग करे। वैसे तुम कर्ण में इतनी रुचि क्यों ले रहे हो भांजे? मामा श्री, मैं कर्ण में इतनी रुचि इसलिए ले रहा हूं कि मेरी योजनाओं को यथार्थ का रूप देने में सबसे उत्तम अस्त्र कर्ण के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास, कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। महामना महाबली धनुर्प्रवीण जगत जयी, धर्मव्रती कर्मपति रश्मिरथि महारथि, ओ महारथि कर्ण। एक बाहु स्वावलंब दूजा स्वाभिमान है, दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है। महारथि कर्ण तो महानों से महान है, महारथि कर्ण